लास्ट वीडियो में हमने देखा फाइल को अटैच कैसे करना है, ओवरले कैसे करना है, अभी हम सीखने वाले हैं एक्सट्रैक्ट की फाइल को रिमूव कैसे करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए यहाँ पे दो फाइल है हमारे पास, प्रैक्टिस की फाइल है और दूसरी फाइल है फर्नीचर की फाइल है। ओके यहाँ पे हम करते हैं एक्सरेफ हमने किया और यहाँ पे आप देख सकते हो कि फर्नीचर की फाइल के अंदर जो ओवरऑल जो हमने घर बनाया है उसकी फाइल है। ओके तो यहाँ पे हम करते हैं अल्टरनेटिंग। ओके यहाँ पे दो चेयर है हमारे पास, उसको उसकी पोजीशन चेंज करना है तो हमने इसको मूव करते थे एम एंटर, दोनों ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर दिए एंटर और इसकी जो पोजीशन है वो हम चेंज कर रहे हैं, मुझे चाहिए यहाँ पे। ओके या मुझे यहाँ पे पीछे रखना है, मैंने पीछे ले ली चेयर। ओके और कंट्रोल एस, इसको सेव कर दिया हमने और जा रहे प्रैक्टिस की फाइल में। जैसे ही प्रैक्टिस की फाइल में हम गए तो यहाँ पे देख लिए एक्सटर्नल रेफरेंस फाइल हैज़ चेंज, तो हमने उसके अंदर चेंज किया है तो यहाँ पे आपको चेंजेस करना है या नहीं करना है तो एक बबल नोटिफिकेशन आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। ओके यहाँ पे क्लिक करोगे तो जो भी चेंजेस आपने वहाँ पे फाइल में चेंजेस किए हैं वही चेंजेस आप यहाँ पे कर सकते हो। ओके तो ये दोनों के बीच में एक हाइपरलिंक बन जाती है, हाइपरलिंक बन जाती है, जो चेंजेस आप वहाँ पे कर रहे हो वो चेंजेस आप ऑटोमेटिक यहाँ पे कर सकते हो, जो चेंजेस इस फाइल प्रैक्टिस की फाइल में कर रहे हो वो चेंजेस पूरा फर्नीचर की फाइल में हो जाएगा। ओके तो दो फाइल के बीच में एक हाइपरलिंक बन जाएगी। ओके और चलिए अब करते हैं एक्स क्लिप, कमांड है एक्स क्लिप एक्स सी एंड उसकी शॉर्टकट की है एंटर। एक्स क्लिप सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, किसको आपको क्लिप बनानी है, सपोज़ ये मेरा जो फर्नीचर है उसको क्लिप करना है तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया एंटर। एंटर करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। ओके तो आपको क्या करना है, न्यू बाउंड्री क्रिएट करना है, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया न्यू बाउंड्री। यहाँ पे बाउंड्री क्रिएट करने के लिए कोई पॉलीलाइन आपने पहले से बनाई हुई है उसको सिलेक्ट कर सकते हो, पॉलीगॉन बना सकते हो, रेक्टेंगल बना सकते हो, तो मैंने रेक्टेंगल पर क्लिक किया और जो ये फर्नीचर है वो मुझे क्लाइंट को दिखाना है, दूसरा जो फर्नीचर है वो मुझे दिखाना है नहीं है, तो ये जो फर्नीचर है इसके अंदर वो मुझे शिप चाहिए तो मैंने इसके ऊपर क्लिप बना दी। ओके तो इसके बाहर का जो भी फर्नीचर है वो अभी हाइड हो गया है। ओके तो ऐसे आप कभी कोई कस्टमर को आपको सिर्फ इतना ही फर्नीचर या थोड़ा ही दिखाना है तो आप ऐसे दिखा सकते हो क्लिप बना के। ओके तो अभी ये क्लिप जो है वो आपको जो क्लिप की जो बाउंड्री है वो आपको नहीं चाहिए, तो कैसे हाइड करोगे इसको, तो इसको मैं है एक अलग से एक लेयर बना, यहाँ पर एक लेयर बनाया हुआ है या एक दूसरा लेयर बना देते हैं। लेयर प्रॉपर्टी में चले गए और यहाँ पे एक न्यू लेयर बना दिया हमने। ओके और इसका नेम देते हैं हम वन और क्लोज कर देते हैं इसको, इसको कर दिया क्लोज। ये सिलेक्ट किया हमने बाउंड्री, होम में गए और यहाँ लेयर में हमने ये वन में सिलेक्ट कर दिया। ओके तो ये बाउंड्री को हमने लेयर वन में डाल दिया है और इसको टर्न ऑफ कर देते हैं, ऐसे जो भी आपने क्लिप बनाई हुई है वो हाइड कर सकते हो आप। ओके और उसको परमानेंट आपको नहीं चाहिए, उसको निकाल देना है तो वापस ऑन कर दीजिए इसको, सिलेक्ट कीजिए इस यहाँ से और आप क्लिप को रिमूव कर सकते हो, परमानेंट रिमूव क्लिप। ओके जैसे आप रिमूव करोगे क्लिप को तो पूरा फर्नीचर वापस आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स नेक्स्ट कमांड है परमानेंट, आपको ड्राइंग के अंदर से एक्सरे को निकालना है। ओके तो एक्सरेफ एंटर, यहाँ पे आपने जो फर्नीचर के फाइल अटैच की थी वो यहाँ पे आ गई है, उसके राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे तीन ऑप्शन है आपके पास निकालने के लिए। पहला ऑप्शन है अनलोड, दूसरा ऑप्शन है डी अटैच एंड तीसरा ऑप्शन है बाइंड। ओके तो पहला ऑप्शन है अनलोड, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पे क्लिक किया आप यहाँ पे देख सकते हो जो पूरा फर्नीचर है वो चला गया है। ओके मगर परमानेंटली नहीं गया, यहाँ पे आपकी जो फाइल है वो यहाँ पे ही है, तो आपको जब भी चाहिए आप यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से रीलोड कर सकते हो। ओके तो जो फर्नीचर की फाइल थी वो वापस आ गई है, अभी राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है डी अटैच, यहाँ पे क्लिक कीजिए तो जो आपका जो फर्नीचर की फाइल थी यहाँ से एक्सरेप में परमानेंट चली गई है और ड्राइंग के अंदर से भी चली गई है। ओके तो परमानेंट आपको फाइल निकाल देना है, एक्सरेफ यहाँ से निकाल देना है तो आप ऐसे निकाल सकते हो, कंट्रोल जेड कर रहा हूँ वापस लाने के लिए।
और एक्सरिफ एंटर, फर्नीचर की फाइल वापस आ गई है, कंट्रोल जेड किया इसलिए, राइट क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे बाइंड ऑप्शन है। ओके बाइंड पे क्लिक किया मैंने, बाइंड पे क्लिक किया तो दो ऑप्शन आ रहे हैं, बाइंड एंड इंसर्ट। ओके तो पहले है बाइंड पे क्लिक किया और यहाँ पे दे रहा हूँ ओके। ओके जैसे मैंने ओके दिया यहाँ पे फर्नीचर की फाइल चली गई है, मगर परमानेंट मेरे पास फर्नीचर की फाइल आ गई है। ओके तो परमानेंट आपको फाइल अटैच करना है ड्राइंग के अंदर, सिंगल फाइल बनानी है तो आप बाइंड कर सकते हो, मगर बाइंड के अंदर ऑप्शन था यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे मैंने वहाँ पे बाइंड में क्लिक किया तो यहाँ पे एक नई फाइल बन गई है, न्यू लेयर बन गया है, फर्नीचर $0 फर्नीचर। ओके तो ऐसी फाइल आ जाएगी, जब आप बाइंड कर रहे हो तब ऐसी फाइल आ जाएगी। कंट्रोल जेड कर रहा हूँ मैं, ओके कंट्रोल जेड किया मैंने, कंट्रोल जेड एक्सरिफ। ओके यहाँ से मैंने क्लिक किया वापस और यहाँ पे कर देता हूँ रीलोड, राइट क्लिक करके मैं कर रहा हूँ बाइंड में जा रहा हूँ और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन था इंसर्ट, इंसर्ट पे गया और यहाँ से दे दिया ओके। ओके तो दूसरे सेम वैसे ही जैसे हमने बाइंड में किया था वैसे ही यहाँ पे आ गया है, फाइल हमारी चली गई यहाँ पे, मेरा परमानेंट ड्राइंग जो है हमारा वो उसके अंदर अटैच हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो बाइंड हमने किया था तब फर्नीचर $0 फर्नीचर की फाइल आ रही थी, मगर जो पर उसका जो लेयर था फर्नीचर का जो ओरिजिनल लेयर यहाँ पे आ जाएगा। ओके तो ये लेयर आप यूज़ कर सकते हो, सपोज़ आपको कुछ दूसरे फर्नीचर बनाने हैं तो ये लेयर आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हो। अभी आपने देखा कि एक्सट्रिप की फाइल को रिमूव कैसे करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे लेआउट को क्रिएट कैसे करते हैं।